हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं खुशहाल डागर। तो भाई ये अपनी महिंद्रा थार, आज इसकी लुक दिखाते हैं आपको, मतलब पूरी मॉडिफिकेशंस की एक एक चीज़ बताएंगे, क्या क्या हो रखा है इसमें और कैसी इसकी लुक आती है आफ्टर स्पेंडिंग 7 लैक्स ऑन महिंद्रा थार। और भाई अपनी कार है पेट्रोल ऑटोमेटिक, और साउंड तो बिल्कुल ना बराबर है जो साउंड आ रहा है आपको, ये एसी का साउंड है। तो भाई ऐसी कुछ इसकी लुक आती है, देख सकते हो आप, बिल्कुल सेक्सी लुक आ रही है भाई, बेहतरीन जिसे कहते हैं। और मॉडिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं अपने भाई। इसमें आईपीएस के प्रोजेक्टर लग रहे हैं, और इसकी लाइट बदल चुकी है, और इसकी ग्रिल चेंज है, और इसके ग्रिल के अंदर लग रही है इसमें पुलिस वाली वो लाइट। ऊपर इसमें जो इसकी लुक को और इन्हेंस कर रहे हैं वो भाई इसके ऊपर रूफ लाइट्स। और बात करते हैं मेन जो अट्रैक्शन है इस कार का, वो है भाई 22 इंच के अलॉय, 22 इंचेस अलॉय व्हील है इस गाड़ी में, जो कि कंपनी अपने हैं भाई रोड क्रूजा करके कोई कंपनी है, उस कंपनी के इसमें टायर लगे हुए हैं अलॉय व्हील के साथ। तो भाई ऐसी कुछ लुक आ रही है, पीछे से कोई चेंज है नहीं गाड़ी में। हम सोच रहे थे कि इसकी जो लाइट है उसको अपग्रेड करें, पर टेल लाइट्स को कोई फ़ायदा नहीं था। इन लाइट्स में भी काफ़ी अच्छी लुक आ रही है पीछे से, और भाई इसमें थोड़े नीचे वाले रिफ्लेक्टर्स लगवा रखे हैं, और पीछे ऑटोमेटिक की बैजिंग। और एक खास बात बताता हूँ भाई आपको, जो ये नंबर है इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी अराउंड 1 लाख रुपए। और नीचे भाई इस चीज़ को देख के आप समझ सकते हो कि ये पेट्रोल कार है, क्योंकि जो डीजल थार है उसमें पीछे ये सिलेंडर जो होता है ये नहीं है उसमें, ये भाई अपना पेट्रोल में ही आता है, डीजल में नहीं आता। और भाई इसमें बाहर से तो ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन हो गई, बात करते हैं अंदर की। तो भाई सबसे पहले इसकी चाबी दिखाते हैं आपको। तो भाई ऐसी कुछ इसमें की मिलती है, देख सकते हो आप, ये की वही की है जो भाई अपनी ओडी A4 में आती है, सेम टू सेम वही है, बस उसमें यहाँ पे ओडी का लोगो आ जाता है। खास बात बताता हूँ, सबसे पहले चाबी मेरे हाथ में है, लॉक बटन लॉक हो चुकी है, ये अनलॉक बटन, ये अनलॉक हो चुकी है। और जो ये थर्ड बटन है ये आता है भाई अपने फ्यूल टैंक के लिए, इसमें भाई चाबी से ही खोलना पड़ता है अपना फ्यूल टैंक, तो ये चीज़ भी हमने इसमें लगवा रखी है। तो फर्स्टली हम बटन को दबाते हैं और ये अनलॉक हो चुका है, ये खुल जाता है, मतलब अंदर भी इसमें बटन है, वो लगवा दिया हमने भाई। और इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले एक फीचर और रह गया चाबी का भाई, जैसे ही चाबी पास जाएगी तो गाड़ी लॉक हो जाती है, मतलब पास जाती है तो अनलॉक हो जाती है, और दूर जाते हैं तो लॉक हो जाती है। तो सबसे पहले हमको लॉक करके अनलॉक करनी पड़ेगी। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊँगा, तो ये अनलॉक हो चुकी है भाई, देख सकते हो आप, मतलब ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा। ये मॉडिफिकेशंस अलॉय व्हील, पुश स्टार्ट सो बटन, चाबी, और भाई ये अपना फ्यूल टैंक का, ये हमने करवाया था पंजाब, और अलॉय व्हील लगे इसके वेलोसिटी टायर्स पे, और भाई ये मॉडिफिकेशंस हुआ इसका कारोबार में। सेकंड कार पे हमने इसलिए शिफ्ट नहीं करा क्योंकि भाई वो थोड़े एटीट्यूड या फिर घमंड कह सकते हैं उस चीज़ को, और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इनकी है। और सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। तो डोर में देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने लगवा रखे भाई एम्बियंट लाइटिंग। ये एम्बियंट लाइटिंग वही है भाई जो मार्केट में सबसे सस्ती आती है, मतलब इससे सस्ती भी आती है, पर ये इसमें उस टाइम हमने जल्दी जल्दी में लगवा ली थी, पर इसको मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इनका, इतना ख़राब भी नहीं है। ये भाई अपनी ब्लू कलर की ग्लो करती है, सिंगल कलर है ये। इसकी कॉस्टिंग अराउंड हमें पड़ी थी भाई आपकी 1200 के समथिंग, 800 के समथिंग इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी। और भाई एक चीज़ हमने पंजाब से और लगवाई थी, इसमें लगवाया था डेड पैडल, दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे डेड पैडल लग रहा है, फ्लोरिंग हो रखी है। मैट की क्वालिटी काफ़ी बेकार है क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में काम करवाया था उस टाइम। और यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये लाइट ग्लो भी करती है इसमें, और ये इसका फ्यूल का जो फ्यूल टैंक खुलता है उसका बटन है, ये इसकी एम्बियंट लाइटिंग। ये किस चीज़ का बटन है, एम्बियंट लाइटिंग का है ना, एसी वेंट। हाँ मेन चीज़ भाई इसके एसी वेंट, ये भी चेंज करवा रखे, ये अपने मर्सिडीज जी वैगन वाले एसी वेंट। तो इसकी लाइट्स जो होती हैं उसको, मतलब इसका कलर चेंज होता है भाई इसमें, जैसे अपनी मर्सिडीज जी वैगन में होता है। तो भाई ऐसी कुछ लुक आती है, मैक्स लिंक का एंड्रॉयड ऑटो प्लस एप्पल कार प्ले वाला अपना इसमें स्टीरियो लग रहा है।
यहाँ पे कोई चेंज नहीं है भाई, एसी वेंट है। ये अपना सायरन का कंट्रोल है, इसमें मतलब माइक भी इनबिल्ट आता है। और भाई इसमें ये चीज देख सकते हो आप, जो इसका रियर व्यू मिरर है वो भाई इसमें कैमरे वाला लगवा रखा है, क्योंकि इसका जो रियर व्यू मिरर आता है वो काफी छोटा होता है, देख सकते हो आप पीछे से, मतलब काफी इतना गैप है भाई, मतलब इतना छोटा है इससे एक तरफ से, तो मतलब इतना फर्क आ जाता है आधे हाथ का, दोनों तरफ से देखा जाए तो मतलब काफी बड़ा है, पूरा शीशा दिखता है पीछे वाला। पीछे से भाई हमने इसमें जो पीछे ब्रेक लाइट आती है जो ऊपर होती है वो हटवा दिए, क्योंकि वो काफी जगह घेर रही थी, पीछे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम थी। और हमने इसमें चढ़वा रखे भाई 35% फिल्म धूप की वजह से। ये आर्मरेस्ट लगवा रखे हैं, ये कंपनी से लगा है भाई, इसकी कॉस्टिंग अराउंड 16,500 कुछ पड़ी थी, सीट कवर बाहर से लगवाए थे, इनकी कॉस्टिंग 12,000 थी। ये इसमें भाई एक्स्ट्रा कुशन है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है कंपेयर करें और महिंद्रा थार से। और तो भाई इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है नहीं, ये अपने ऑटोमेटिक का गियर शिफ्ट, ये 4x4 के कंट्रोल, ये अपना जो कंडक्टर साइड की सीट बेल्ट का, ये एयरबैग का ऑफ करने का, ये ऑन का है, और मतलब जो उस साइड वाला एयरबैग है वो उसको ऑफ ऑन कर सकते हैं हम। और भाई ऐसा कुछ इसका ओवरऑल व्यू मिल जाता है अपनी इसका मैक्सलिंक की स्क्रीन का, तो मतलब काफ़ी अच्छा है भाई ये स्टेयरिंग कंट्रोल, यूट्यूब, मतलब काफ़ी अच्छी थीम मिल जाती है इस कार में, फेसबुक वगैरह सब चीज़ है भाई इसमें। और ये गाड़ी स्टार्ट होती है, नॉइज तो ये लगा लो बिल्कुल भी नहीं है कंपेयर करें अपनी डीजल थार से। एक बार इसका बोनट खोल के दिखा देता हूँ आपको, इसका बोनट खोल देते हैं, ये खुल चुका है इसका बोनट। बोनट खोलते भाई इसके चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लगते हैं, ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा। साउंड सुना देता हूँ आपको, तो सबसे पहले भाई अपनी एक क्लिंप खोलनी पड़ती है, और ऐसा कुछ लाइट का रिस्पॉन्स है, ये अपनी भाई स्टार वाली लाइट है देख सकते हो आप। और भाई ऐसा कुछ साउंड है अपना महिंद्रा थार पेट्रोल ऑटोमेटिक का। और यहाँ पे भाई वार्निंग भी दे रखी है कि इंजन पे पानी नहीं लगवाना, और ऑरेंज कलर का कुछ यानी कि पिंक कलर का इसमें कूलेंट मिल जाता है, ये सायरन लग रहा है भाई इसमें। और तो काफ़ी कुछ है नहीं इसमें, मतलब जो ये आवाज़ सुन रहे हो आप ये एसी की आवाज़ है भाई। और इसमें एक मेन चीज़ जो मैं भूल ही गया, वो भाई इसमें PPF करवा रखी है, और ये कंपनी से ये एक्सेसरीज लगवा रखी थी, ये बॉडी कलर पेंट करवा रखे हैं। और आगे की तरफ हमने जो ये मड फ्लैप्स होते हैं ये आगे वाले भी लगवा रखे कंपनी से ही, तो देख सकते हो आप ये फैन बंद हो रहा है गाड़ी का, बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। ये थी भाई अपनी महिंद्रा थार, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।